देखिए आप लोगों का एक क्वेश्चन था गाइस कि क्या डीएलएड वाले सीटेट पेपर टू एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, और अगर सीटेट एग्जाम टू क्लियर कर लेते हैं, पेपर टू क्लियर कर लेते हैं, तो क्या इनका ये वैलिड होगा? क्योंकि आपको पता है गाइस सीटेट का जो पेपर टू होता है ये टीजीटी क्लास 6 से 8 के लिए होता है, क्योंकि पीआरटी के लिए आपको सीटेट का पेपर 1 पास करना होता है। तो देखो गाइस कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर डीएलएड जिन्होंने कर रखा है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और सीटेट का जो पेपर टू एग्जाम पास कर लेते हैं, उन्हें गाइस 6 से 8 में भी एलिजिबल किया गया है। जैसे बिहार में मतलब डीएलएड वाले जो है ना 6 से 8 के टीचर भी बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है गाइस, सीटेट का पेपर टू अगर एग्जाम आप पास कर लेते हो तो आपका ये वैलिड होगा और एलिजिबल हो जाओगे 6 से 8 के लिए। बस आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए, जैसे आप एसएसटी या साइंस या मैथ, या फिर दोस्तों आप जो है हिंदी लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो इंग्लिश के, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, अगर ये आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये आप मैच कर लीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और कौन कौन से स्टेट्स में टीजीटी के लिए डीएलएड वाले एलिजिबल है ये भी मैं सर्च करके आपको बताऊंगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।